नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ वंदना भारती जुड़ी हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत चांदी से कर लेते हैं। चांदी में करीब 400 रुपए के आसपास की तेजी है, आपको लगता है कि इस भाव पर बाइंग करना ठीक है? आज की ये तेजी चांदी की टिकेगी? जी मृत्युंजय जी, क्योंकि अगर देखा जाए तो काफी दिनों के रैली के बाद आज डॉलर इंडेक्स में पॉज आया है और ट्रेजरी यील्ड में भी, इसका फायदा कमोडिटी को दिख रहा है। मेरे ख्याल से चांदी में आज बाइंग करनी चाहिए। 55,750 एक लेवल रहेगा जहां पे बाइंग करनी चाहिए। 56,200 तक का एक टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 55,550 का। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे मृत्युंजय जी की, अगर 56,200 से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो जाके हम यहाँ पे और भी तेजी आता हुआ देख सकते हैं चांदी में। अच्छा, जिंक में, मेटल में, जो कि अभी हमने बहुत गिरावट का माहौल बनता हुआ देखा था, आज हल्की तेजी है जिंक में 1% के आसपास की, 266 के ऊपर है भाव। जिंक में इस भाव पर क्या करना चाहिए? अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि ज्यादा एक मूव आ रही है यहाँ पे, और बेस मेटल काउंटर देखा जाए तो ऑलरेडी फॉल है और आज के दिन यहाँ पे फॉल रुकता हुआ दिख रहा है। खासकर कि जिंक एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, अगर बेस मेटल की बात की जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग में रहना चाहिए। 270 एक टेक्निकल लेवल है, इसको क्रॉस करता है तो ही जाके बाइंग करे। 274 का टारगेट रखे, 268 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। और एक यहाँ पे लेवल है 266.3, अगर इस लेवल से नीचे जाता तो ही जाके हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फिर से एक फॉल देखने को मिलेगा। नहीं तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रिवाइवल जो है बेस मेटल में वो फिलहाल यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्रूड पे। क्रूड में हल्की हल्की रिकवरी लौट रही है, 85 के ऊपर अभी ब्रेंट आया है, करीब 1.25% ऊपर है। एमसीएक्स पर भी दाम बढ़ने शुरू हुए हैं, 70 रुपए की तेजी है। कच्चे तेल में इस भाव पर क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि सब में एक वापसी जो है खरीदारी की यहाँ पे फिलहाल होनी चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए लगातार यहाँ पे फॉल आ रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे बात भी थी की थी कि $75 से $85 ये WTI का रेंज होना चाहिए जिसमें कि यहाँ पे ट्रेड होना चाहिए। क्रूड में बहुत ज्यादा फॉल भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक फायदा जो है इसको मिलता हुआ दिख रहा है। क्रूड में 6400 या 6375 ये एक लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 6500 तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस इजिली यहाँ पे आ सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाना होगा 6315 का। और एक चीज यहाँ पे है मृत्युंजय जी की, शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि लिमिटेड यहाँ पे बाइंग है तो उसको ध्यान में रखते हुए बाइंग करना होगा। ओवरऑल यहाँ पे मैं सेकेंड टारगेट यहाँ पे 6600 का देना चाहूंगी। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड पे। अच्छा, नेचुरल गैस में वंदना जी, इस वक्त अगर हम मार्केट की चाल को देखें तो नेचुरल गैस में अभी करीब 2.5 से 2.75% के आसपास की तेजी है। ये तेजी बढ़ती हुई आपको दिख रही है एनजी की? जी मृत्युंजय जी, यहाँ पे लगातार हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा है नेचुरल गैस में, और जिस तरीके से जर्मनी का एग्रीमेंट हुआ था सऊदी अरेबिया से तो उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पे था, इन्वेंट्रीज भी बढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे नेचुरल गैस या क्रूड बहुत ज्यादा यहाँ पे कमजोर नहीं है और हर लेवल पे यहाँ पे बाइंग आ रही है। 540 एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम किया, वहां से एक रिवाइवल देखने को मिल रहा है। नेचुरल गैस से मुझे लग रहा है कि 575 पे बाय करना चाहिए, 585 एक टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस 570 का लगा के चलना चाहिए। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस 600 तक की तरफ जा सकता है, यहाँ पे शार्पली एक अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं। 600 के करीब यहाँ पे एक पॉज देखने को मिलेगा रैली में। ठीक है, बिल्कुल संक्षेप में, जीरा आज ऊपर है और फंडामेंटली काउंटर स्ट्रॉन्ग है, डिमांड अच्छी है, नई सप्लाई आने में भी 5-6 महीने का वक्त है, क्या करें यहाँ? जीरा में मुझे लग रहा है कि बाइंग में ही रहना चाहिए, 24,900 के करीब बाइंग करनी चाहिए, 25,100 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 24,800 का लगा के चल सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।